हेलो दोस्तों, हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली के डेली आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस को लेकर आता हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारा वीडियो है, उसका जो टॉपिक है वो है भारत का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत एक ऐसा देश जिसने अपनी शूरवीरता, पराक्रम इत्यादि की गाथाएँ विश्व के अन्य देशों तक अर्जित की हैं और विश्व के अन्य देशों तक पहुँचाई हैं। तो भारत का इतिहास वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, उसे हम एक चंद मिनट की वीडियो में कभी भी पूरा बयान नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी हम भारत के इतिहास के कुछ पहलू इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेकों धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। भारत एक धार्मिक रीति की मिसाल है पूरे विश्व के अंदर। तो भारत बहुत ही सुंदर देश है और आज हम भारत के इतिहास के बारे में ही जानेंगे कि भारत का इतिहास कैसा है। तो दोस्तों, भारत का इतिहास विश्व में सबसे पुराना इतिहास माना जाता है। विश्व के पुराने इतिहासकारों का ये मानना है कि जो भारत का इतिहास है वो विश्व में सबसे पुराना यानी कि एंशियंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, भारत के इतिहास के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर उन्होंने जिक्र किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि आप देख भी सकते होंगे यहाँ पे, ये रहा उसका नाम, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र किया था, जिसके अंदर उन्होंने भारत के पराक्रम की गाथा और भारत के इतिहास के बारे में चर्चा की थी और उसे अपनी कलम के माध्यम से कागज़ के चंद पन्नों पर उतारा था। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर उन्होंने भारत के इतिहास को वर्णित किया था और लेखित किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को मानव प्रजाति होमो सेपियंस के समय से माना जाता है। होमो सेपियंस मानव प्रजाति का वैज्ञानिक नाम होता है। होमो सेपियंस मानव प्रजाति का वैज्ञानिक नाम होता है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो भारत का इतिहास मानव प्रजाति होमो सेपियंस के समय से माना जाता है, जो आज से 75,000 साल पुराना है। लेकिन हमारे भारतीय इतिहास की प्रमाणिकता यानी कि एविडेंसेस 5,000 साल पूर्व भी माने जाते हैं, यानी कि आज से 5,000 साल पहले भी भारतीय इतिहास कायम था और 75,000 साल पहले भी भारतीय इतिहास कायम था। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम भारत के ऐसे ही कुछ चर्चित मुद्दों और चर्चित इतिहास तथ्यों के बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक अपील है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, वरना आपका एक भी कॉन्सेप्ट जो अगर आपका मिसमैच हो गया यानी कि आपसे छूट गया, तो वो कॉन्सेप्ट आगे की वीडियो के लिए काफ़ी बेहद खराब महसूस होगा, यानी कि आपकी जो आने वाली जो तथ्य हैं उनको आपको समझने में काफ़ी दिक्कत पैदा करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला है पूर्व ऐतिहासिक युग यानी कि द प्री हिस्टोरिक एरा। पूर्व ऐतिहासिक युग के अंदर आता है पाषाण युग, जिसे बोलते हैं द स्टोन एज। स्टोन का मतलब पाषाण और एज का मतलब युग। पाषाण युग, जैसा कि दोस्तों नाम से पता लग रहा है, पाषाण युग यानी कि पत्थर का युग, यानी कि पत्थर का समय जो था। पाषाण युग अनुमानित 5 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके प्रमाण मध्य भारत की नर्मदा घाटी के नज़दीक पाए गए थे। पाषाण युग एक ऐसा युग था दोस्तों, जिसके अंतर मनुष्य ने पत्थरों से आग जलाना सीखा था, यानी कि पत्थरों को आपस में रगड़कर, पत्थरों को आपस में घिसकर चिंगारी पैदा करके उससे आग का अनुमानित उत्पन्न होना, वो किसके अंदर खोज हुई थी? पाषाण युग के अंदर खोज हुई थी। इसी युग के अंतर्गत मनुष्य ने आग की खोज की थी पत्थरों की सहायता से। तो पाषाण युग अनुमानित 5 लाख से 2 लाख वर्ष पूर्व पुराना माना जाता है। इसके प्रमाण मध्य भारत की नर्मदा घाटी के नज़दीक भी पाए गए थे। पाषाण युग के अंदर मनुष्य इतना विकसित नहीं था, तो वो कच्चा भोजन, मांस इत्यादि खाकर अपना जीवन यापन करते थे। और इस युग के अंदर मनुष्य ने अग्नि की खोज की, यानी कि पत्थरों को रगड़कर और घिसकर आग उत्पन्न करना। तो दोस्तों, पाषाण युग नर्मदा घाटी के नज़दीक पाए गए थे। इसके प्रमाण यानी कि इसके एविडेंसेस जो है वो भारत की नर्मदा घाटी के पास गए पाए गए थे। भारत के इतिहास की प्रमाणिकता के कुछ नमूने तमिलनाडु में मिले हैं। इसकी प्रमाणिकता को 75,000 वर्ष पूर्व का माना जाता है, यानी कि एविडेंसेस के मुताबिक 75,000 साल पहले भी भारत का इतिहास कायम था। उसके बाद आता है ताम्र युग, ब्रोंज एज। ताम्र युग
यानी कि तांबे का युग। ताम्र युग का आरंभ 3300 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? ताम्र युग यानी कि तांबे के युग के समय, यानी कि ब्रोंज एज। ब्रोंज का मतलब होता है ताम्र यानी कि तांबा, एज मतलब युग। तो सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र युग के अंतर्गत आती है। ताम्र युग का आरंभ 3300 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसका आरंभ 3300 ईस्वी पूर्व है और इसे क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम ताम्र युग कहते हैं। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र सिंधु नदी को माना जाता है। सिंधु नदी भारत की एक प्रचलित विश्व ऐतिहासिक नदी, जो कि सिंधु सभ्यता का केंद्र माना जाता है, जो घाघर घाटी यमुना नदी गुजरात और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। कौन? सिंधु नदी। कहाँ तक? घाघर घाटी यमुना नदी गुजरात और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। इसके बाद इस सभ्यता का फैलाव हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा पाकिस्तान एवं बलूचिस्तान तक फैल गया था। सबसे पहले दोस्तों, इसका युग 3300 ईस्वी पूर्व हुआ था और ये सिंधु नदी इसका केंद्र था सिंधु सभ्यता का। जो सिंधु नदी थी वो थी घग्गर घाटी यमुना नदी और गुजरात और अफगानिस्तान तक फैली हुई। इसके बाद इस सभ्यता का फैलाव देश के विभिन्न प्रांतों जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा पाकिस्तान एवं बलूचिस्तान तक फैल गया था। तो इतिहासकारों के मुताबिक धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता ने अपना इतिहास देश के अन्य हिस्सों, भागों और अंतर्देशीय संबंधों में भी स्थापित कर लिया था। अब उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की ये एक तस्वीर है जो कि आपको दिखाई दे रही है डिस्प्ले के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व हुआ। ये जो आपको जो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, संरचना दिखाई दे रही है, वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक आर्किटेक्चर संरचना है, यानी कि वास्तुशास्त्र संरचना, जिसके अंदर मकान, गलियां, नालियां इत्यादि बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व हुआ था। और इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके मुख्य केंद्र थे धोलावीरा कालीबंगा और पाकिस्तान के हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो धोलावीरा की कालीबंगा और पाकिस्तान के हड़प्पा मोहनजोदड़ो को इसके मुख्य केंद्र माने जाते हैं। धोलावीरा कालीबंगा जो है राजस्थान के अंदर है और पाकिस्तान आप जानते ही हैं। उसके बाद आता है प्राऐतिहासिक काल, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम बोलते हैं अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, और इसका दूसरा नाम क्या है, प्राऐतिहासिक काल, प्राऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है वैदिक काल। वैदिक काल का निर्माण आर्य सभ्यता से शुरू हुआ था। वैदिक काल का समय 1750 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। वैदिक काल का समय क्या था? 1750 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ये देखिए, हाँ, ये जो लाइन है, वैदिक काल का समय कब से कब है? 1750 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। वैदिक काल का निर्माण आर्य सभ्यता से शुरू हुआ था। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, वैदिक काल का निर्माण आर्य सभ्यता से शुरू हुआ था, जिसमें हिंदू धर्म के वेदों को वर्णित किया गया। जो हिंदू धर्म के जो वेद थे, उनकी जो संरचना बनाई गई, उन्हें जो वर्णन किया गया उनका, जो वो वैदिक काल के अंतर्गत ही किया गया। किसके द्वारा? आर्य सभ्यता के द्वारा। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एक आर्य समाज हवन कर रहे हैं, और ये जो बैठे हैं, ये क्या है? आर्य हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? आर्य हैं। और ये आर्य किस काल के अंतर्गत थे? ये आर्य थे वैदिक काल के अंतर्गत, ठीक है। और इसी काल के अंतर्गत वेदों को वर्णित किया गया, यानी कि वेदों को लिखा गया। तो इतिहासकारों ने वैदिक सभ्यता को पंजाब तथा गंगा नदी तक फैला हुआ माना है। वैदिक काल में भी धर्म और कर्म की अवधारणा भारत में आई थी। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, धर्म और कर्म, यानी कि धर्म करो और कार्य करो, यानी कि पूजा वगैरह जो थी, पूजा संरचना जो थी, और भगवान की आरती उतारना, ये सभी की सभी किसके अंदर आई? वैदिक काल के अंतर्गत अवधारणा ये भारत के अंदर आई थी। उससे पहले ये अवधारणाएं नहीं थी। इसी काल के अंतर्गत आर्य समाज उत्पन्न हुए। उसी काल के अंतर्गत अन्य वेदों और उपनिषदों को लिखा गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी काल के अंतर्गत धर्म और कर्म की अवधारणा भारत में आई थी। तो ये काल काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पुराना और काफ़ी धार्मिक काल माना जाता है। कौन सा काल? वैदिक काल। अब बात करते हैं हम महाजनपद के बारे में। महाजनपद क्या थे? महाजनपद जो थे, उसके अंदर अन्य अन्य धर्मों का विस्तार हुआ था, उत्पत्ति हुई थी।
इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी डाल रखी है, महाजनपद ऑफ इंडिया। तो दोस्तों टोटल कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16। तो इसके अंदर महाजनपद की एक छोटी सी झलक मैं इस वीडियो के अंदर भी दिखाऊंगा। महाजनपद 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक जैन और बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ था और इसी के अंदर सभी उपनिषद लिखे गए थे। इसी काल के अंदर सभी उपनिषद लिखे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि कितने थे, 16 जो थे वो क्या थे, महाजनपद थे। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं काशी वाराणसी, कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, काशी वाराणसी, कौशल, श्रावस्वी, अंग, चंपनागरा, मगध, वज्जी, गल, छेदी, वत्स और कुरु। ये किसके नाम हैं? ये उन महाजनपदों के नाम हैं जिसके तहत जैन और बौद्ध धर्म का निर्माण हुआ और इन्हीं के तहत सभी प्रकार के उपनिषद लिखे गए थे। उसके अलावा कुछ महा उपनिषद थे वो थे, यानी कि महाजनपद जो थे वो थे पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार और कम्बोज जनपद इत्यादि आते थे। किस काल के तहत आते थे ये? ये वैदिक काल के जस्ट बाद का जो महाजनपद काल था उसके तहत आते थे ये महाजनपद। टोटल कितने महाजनपद हैं? 16। कुल कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी झलक भारतीय इतिहास के बारे में। हमने पढ़ा भारत के इतिहास को शुरुआती युग से लेकर पाषाण युग, उसके बाद हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता, उसके बाद हमने पढ़ा वैदिक काल, उसके बाद हमने पढ़ा महाजनपद। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो की अच्छी लगी है दोस्तों तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमने वेरी इजी मेथड से हमने कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।